एक्सेल जब ओपन करते हैं तो फाइल मेनू बार का सबसे पहला होम ऑप्शन आता है, होम ऑप्शन जहां पे आपको ब्लैंक फाइल और उसके अलावा यहाँ पे आपके द्वारा यूज की गई टेम्पलेट शो होता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपके रिसेंटली फाइल तीन कैटेगरी मिलते हैं, पहला रिसेंट में, दूसरा आता है पिन। अब पिन क्या होता है? देखिए रिसेंटली जो फाइल है, लिस्ट है, वो चेंज होती रहती है, आप जैसे जैसे फाइल ओपन करते हैं चेंज होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसा फाइल है जिसको बार बार ओपन करें, टीएल को मुझे बार बार ओपन करना होता है, तो मैं इसको पिन पे क्लिक कर दूंगा तो ये पिन लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, पिन लिस्ट में यहाँ देखिए आ गया, ये हटेगा नहीं। ठीक है, पिन लिस्ट में वो चला गया, अब यहाँ से वो नहीं हटेगा। तो ऐसे लिस्ट यहाँ दिखेगा। तीसरा शेयर विथ मी, जो आपको शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ दिखेगा। इसके अलावा आप न्यू में जाते हैं तो यहाँ पे नया फाइल, इसके अलावा टैंपलेट, तो ये यूज की गई टैंपलेट, उसके अलावा नीचे बहुत सारे टैंपलेट्स हैं। टैंपलेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए टैंपलेट हमें आइडिया देता है, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको बोला कि एक बैलेंस शीट बना के दिखाओ, या एक रोस्टर बना दो, या एक प्लानर बना दो। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अगर जानते हैं तो फटाफट बना लेंगे, लेकिन कभी आपने बनाया ही नहीं तो कैसे होगा? क्या सर, इवेंट प्लानर की बात करेंगे कि आपको आपके बॉस ने बोला कि यार मुझे बराबर दिक्कत होती है डायरी मेंटेन करने में, एक इवेंट प्लानर बना दो। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे प्लानर दिखेगा आपको, जैसे इसी को हम क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको जैसा कि वैसा चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना, चेंज करके यूज कर सकते हो, अदरवाइज इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है, और समरी पूरा यहाँ दिख जाता है, बना बना है। तो खर्चे का प्लानर है, उसके अलावा आपको अगर अपना पर्सनल प्लानर चाहिए तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट यहीं पे देखेंगे, आप ऊपर में सर्च भी कर सकते हैं, प्लानर या पर्सनल प्लानर करके सर्च कर सकते हैं। सर ये जो अपलोड शूट है ये फिक्स होते हैं हमारे, या ये मतलब जैसे ये वंस यूज करने माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चीजें बना के आपको सैंपल के तौर में दिया है, तो जाहिर सी अच्छा तो बात फिक्स होगी होते हैं। फिक्स होगा ना। क्या हमने प्लानर सर्च किया तो यहाँ पे होमवर्क लॉग, जॉब कैलेंडर ट्रैकर, सेल्स फोरकास्ट, क्रेडिट कार्ड ट्रैकर, हॉलीडे बजट प्लानर, दिख रहा है आपको सर, कई सारे तरह के अच्छा प्लानर्स आ गए। ये इनबिल्ट है मतलब हाँ उनका कुछ इनबिल्ड नहीं है, बस इसको, लेकिन ध्यान रखिए जब इसको यूज करें तो आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड होता है। तो डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पे अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। देखिए इससे आइडिया ही मिलता है ना कि हाँ क्या होना चाहिए, किस तरह का चीजें बननी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या समझिए थे, एक तरह से यूजर मैनुअल के साथ कुछ चीजें दे दी गई है आपको, जो आप यूज करो, जो आपको डाउनलोड करना है और यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको बिल चाहिए तो यहाँ पे आप न्यू में गए और यहाँ बिल का इस्तेमाल कर लिए, तो बिल से रिलेटेड बहुत सारे इनवाइसेस का कॉपी आ गया। अब जो इनवाइस कॉपी आपको सूट करता है उसको लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसमें दो चीजें हैं, क्या इसी को डाउनलोड करके मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो, या फिर इससे आप जो है प्रेरणा, हाँ इससे आप प्रेरणा ले सकते हो कि हाँ इस तरह का बनना चाहिए। जैसे इस डाउनलोड हो गया, अब मैं अपना कंपनी नेम चेंज कर दूंगा, कंपनी स्लोगन चेंज कर दूंगा, एड्रेस वेड्रेस चेंज कर दूंगा, हो गया इनवॉइस से आप, क्योंकि तो ये मतलब रीडेबल है, मतलब एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं इसको, राइट सर। और आप खुद के टैंपलेट भी तैयार कर सकते हैं, आप खुद के टैंपलेट, क्या तो
आप ऑफिस बनाने के लिए, ऑफिस में आप रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, पुराने जो कल के फाइल है उसको लेते हैं। तो डेली बेसिस में आप पुराने एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको आज के डेट के साथ सेव करके फिर डेटा डालना शुरू कर देते हैं क्या। बिल्कुल तो आप जैसे आपका जो ब्लैंक जो रिपोर्ट फॉर्मेट है, ब्लैंक फॉर्मेट है, उसी को सेव एज टेम्पलेट कर लीजिए यहाँ से, इस तरह से यहाँ पे जाइए और यहाँ एक्सेल वर्कबुक जो दिख रहा होगा उसके जगह पे टेम्पलेट कर लें, एक्सेल टैब, ठीक है सर। अब एक्सेल टेम्पलेट करने से क्या फायदा होगा, टेम्पलेट में रहेगा तो तुरंत आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ जी हाँ, टेम्पलेट में रहेगा, आसानी से मिल जाएगा, वो भली बात नहीं है, मैं बताता हूँ। तो आपने क्या किया, अपने रिपोर्ट को क्लीन करके और उस पर नया डेटा डालने से पहले सेव एज टेम्पलेट करके रख दिया, राइट। अगले दिन आपकी आपको जरूरत पड़ा, आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए सेल्स टेम्पलेट इस तरह का दिखता है, और इसको लिया मैंने, इसको डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया ये ओपन होगा। तो ये जो ओपन होगा ना, ये एक कॉपी ओपन करेगा इसकी, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4, इस तरह से दिख रहा है सर। और ये हमेशा आपको जो है नया, देखिए ऊपर सेल्स 1 ओपन हुआ, और हमेशा आपको ब्लैंक ही देगा, क्या देगा, ब्लैंक। आपको अपना रेडी टू यूज करना है, ये फॉर्मेट में पहले से डिलीट विलीट करने का झंझट नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया था, बनाने के बाद मैंने सेव एज किया था, सेव एज करते समय हमने क्या किया था, यहाँ पे टेम्पलेट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सेव लिया, ठीक है। उसके बाद फाइल मेनू बार में ओपन, नॉर्मली फाइल हम ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन लिस्ट, रिसेंट लिस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसे फोल्डर भी, रिसेंटली फोल्डर भी जा सकते हैं, इसके अलावा अपने हिसाब के ड्राइव में भी जा सकते हैं। इन्फो में आपको फाइल से रिलेटेड इन्फो मिलते हैं। अब फाइल की इंफॉर्मेशन करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई फाइल, इसी फाइल को देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं रैप फंक्शन, चाहे एस डेटा, दिख रहा है एस डेटा। अब एस डेटा नाम से अगर देखिए, बहुत सारे फाइलों का नाम ऐसा होता है जिसे नाम से समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्या, नाम से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम उसको फाइल जब डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, डेटा देखते हैं, समझ में आ जाता है कि ऐसा डेटा है, ऐसा टीएल क्या है तो, या पिवट टेबल, तो सबसे समझ में आया पिवट टेबल है। तो जब इस पे कर्सर रखेंगे ना, तो देखिए इसका इन्फॉर्मेशन आता है, आ गया ना कि टाइटल सैंपल डेटा फॉर पिवट टेबल, एक्सेल पिवट ट्यूटोरियल, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ हाँ तो यहाँ पे आ रहा है वाई टीम तक यूट्यूब टाइटल फाइल, ठीक है सर। तो एक कैसे हो रहा है, बेसिकली हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसके इसमें समरी में, नहीं डिटेल्स में, सॉरी डिटेल्स में जाके यहाँ पे अपनी चीजें फिट कर, ठीक है। एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मूला ठीक है, और जो डालना चाहिए डाल दीजिए, तो यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद जैसे इस पे कर्सर रखा, देखिए आ गया एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मूला, आया सर। तो इन्फो में भी, हाँ इन्फॉर्मेशन उस तरह से ओके होता है, बाकी आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने फाइल को, शेयर है आप फाइल को यहाँ डायरेक्टली जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मतलब कि आउटलुक के थ्रू इसको मेल कर सकते हैं, फाइल
फाइल बिना सेव किए हुए अटैच हो जाएगी आपके इसमें आउटलुक में। पब्लिश पावर भी इसे पब्लिश कर सकते, फाइल क्लोज कर सकते। यहाँ पे आपके अकाउंट होते हैं माइक्रो, अगर आपने ओरिजिनल एक्सेल ले रखा है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं। फीडबैक, कुछ ऐसी फीचर्स के बारे में आप माइक्रोसॉफ्ट को बताना चाहते हैं तो ये यहाँ से बता सकते हैं। इन्फो हो गया, सेव हो गया, सेव हो गया, प्रिंट हो गया, शेयर, एक्सपोर्ट करो। अच्छा एक्सपोर्ट में इसको पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट करना है, उसे इमेज में भी हो जाता पब्लिश, पब्लिश किसके होगा, पब्लिश का सॉफ्टवेयर। है। पब्लिश हुआ जैसे पावर बीआई आप यूज करते हैं और आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और पावर अकाउंट दोनों एक ही है, तो यहाँ पे अगर इसी रिपोर्ट को पावर बीआई में यूज कर रखे हो तो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा पावर, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा उसके बाद यहां हो गया ऑप्शन। ऑप्शन में हो गया कि एक्सेल की सेटिंग को चेंज करना, ठीक है। जैसे कि आप यहां इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज कर, डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है, दिख रहा है ना, कैलिबरी फॉन्ट है, आप यहां सेट कर दो। जब भी कोई फाइल ओपन होगी या सीट ओपन होगी तो उसी फॉन्ट से ओपन होगी, उसी फॉन्ट साइज से होगी, वही व्यू होगा। जब भी फाइल नया लोगे तो डिफॉल्ट 3 सीट आ रहा है, इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं आप। ऑथर नेम क्या होता है, जब भी किसी फाइल पर कर्सर रखते हैं तो उसका ऑथर नेम दिखता है, इस फाइल को किसने बनाया है। तो आप चाहते हैं उसमें आपका ओके अपना नाम हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते। फॉर्मूला मेनू बार में R1C1 प्रिंट स्टाइल है, जो ABCD दिख रहा है इसको 1 2 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई खास नहीं है इसमें। डेटा में भी कुछ खास नहीं है। प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट जाके ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है DS, तो DS को हमने डेली सेल्स रिपोर्ट से रिप्लेस करने के लिए बनाया हुआ है। तो अब एक्सेल सीट पे कहीं भी मैं DS लिखूंगा ना सर, तो डेली सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा स्पेस मारते। अच्छा तो आप यहाँ पे क्या वर्ड और क्या आना चाहिए वो लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। उसके बाद एक्सेल में जैसे मैं यहाँ पे DS लिखा, स्पेस मारा, देखिए आ गया, आ गया सर। तो आप बना सकते हो ये, सिर्फ एक्सेल में ही, वर्ड, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट सब में वर्क करेगा, ऑटो करेगा, ठीक है। प्रूफिंग के अंदर करेक्ट ऑटो करेक्ट, यहाँ पे आप डालिए अपना वर्ड और क्या रिप्लेस करना और ऐड। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हो, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से इनको अनटिक कर दीजिए। अनटिक करके कर दीजिए तो आपके ऑटो करेक्ट ऑप्शन नहीं चलेगा। सेव, जनरली सेव का डिफॉल्ट पाथ क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट पाथ क्या होना चाहिए, उस सेट कर सकते। ऑटो रिकवर का पाथ सेट कर सकते हैं, ऑटो रिकवर की टाइमिंग। ऑटो रिकवर समझते क्या होता है सर? ऑटो रिकवर होता है कि हर 10 मिनट में आपका फाइल का बैकअप मिलेगा, और जैसे ही फाइल सिस्टम की गलती के कारण बंद होता है, आप बंद करते तब नहीं, सिस्टम की गलती के कारण, जैसे फाइल हैंग होकर बंद हो गया, सिस्टम अचानक से शटडाउन हो गया या एंटैप्स कर दिया, तो उस केस में, कभी कभी पूछता है, वी वांट टू रिकवर द फाइल। हाँ, तो उस केस में जैसे ही फाइल खोलेंगे ना, कोई नई फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे सारे रिकवर लिस्ट आ जाते हैं, तो यहीं पे सेव होता है, आपको देखना है। लैंग्वेज वगैरह में कोई खास नहीं है। एडवांस के अंदर छोटे मोटे, जैसे कि एंटर मारने पे कर्सर डाउन जाता है, तो डाउन को लेफ्ट अप राइट कर सकते हैं। ए फिल जो हम सेलेक्ट करके ए फिल करते, इसको रिमूव कर देते हैं ना, तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं इसमें। हाँ, इसमें आता है आपका एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, लिस्ट तैयार कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, ठीक है ना सर, लिख के जब नीचे ड्रैग करूंगा तो आपके सिस्टम में पूजा पूजा आएगा, बट मेरे सिस्टम में नेम आ। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने एक्सेल के ऑप्शन के अंदर, एडवांस के अंदर, एडिट कस्टम लिस्ट में हमने ये लिस्ट तैयार कर रखा है, समझ
तो आप भी अपना कोई लिस्ट है, इसमें डेटा एंट्री करते हैं, वो लिस्ट को यहां से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइज रिबन है, कस्टमाइज रिबन में क्या होगा, जो ये मेनू बार दिख रहा है ना, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी मेनू बार को नहीं शो करना है तो हाइड कर दीजिए, नया मेनू बार क्रिएट करना है तो यहाँ से देखिए, ये रहा आपका न्यू टैब दिख रहा है, यहाँ पे न्यू टैब हो जाएगा। अब यहाँ से जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड करते रहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं कौन कौन ऑप्शंस हैं, और आप फाइल टैब, मेनू टैब, ऑल टैब या कस्टमाइज नॉट इन रिबन, तो इस सारे चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड किसी ग्रुप में। तो पहले टैब लेना है, फिर ग्रुप लेना है, यहाँ से न्यू टैब, उसके अंदर न्यू ग्रुप, और उसके अंदर जो डालना है वो डाल सकते, ठीक है। और किसी टैब को रिमूव कर देना, मैं चाहता हूँ इसको रिमूव कर देना, तो यहाँ से रिमूव कर देना, हो गया रिमूव, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस चीज दिख रही है ना सर, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रिसेंटली चीज़ को ऐड रिमूव कर सकते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बॉर्डर वगैरह या कुछ और चीज़ लेना है तो यहाँ से लेके ऐड कर सकते हैं, ऐड करते ही ऊपर वो सेम चीज़ आ जाएगा। उससे एक फ़ायदा होता है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि नंबर आ गया सर 4। अगर 4 नंबर प्रेस करूँगा तो वो चीज़ अप्लाई। इस तरह से कीबोर्ड से भी काम करने में आसानी होती है, ओके। ओके हाँ, तो फाइल मेनू बार को एक बार आप अपने तरफ से स्कैन कर लीजिए, कुछ डाउट होंगे तो कल क्लियर करेंगे, कल से हम होम मेनू बार को शुरू करेंगे।